हेलो फ्रेंड्स, मैं एक ऑटोकैड की 3D के ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। जिनको ऑटोकैड 3D नहीं आता वो मेरी इस ट्यूटोरियल्स में सीख सकते हैं। मैं सारे ट्यूटोरियल्स बनाऊँगा 3D के डिटेल्स में सब। तो 3D स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। वैसे तो सभी जानते हैं 3D क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि 3D क्या होता है। 2D होता है टू डायमेंशन, यानी कि एक्स और वाई। 3D होता है 3 डायमेंशन, जिसमें एक्स भी होता है, वाई भी होता है और जेड भी होता है। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी लंबाई चौड़ाई है और उसकी कोई ऊंचाई नहीं है, उसकी कोई गहराई नहीं है, तो वो सिर्फ 2D में होगा, क्योंकि हम उसकी लंबाई और चौड़ाई देख रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है, ये सर्किल है, इनकी कोई गहराई नहीं है, इनकी बस लंबाई है, चौड़ाई है, ये एक्स है और वाई है। तो इसमें इसको हम 2D कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कर्सर ये दिखा रहा है UCS आइकन कि इस डायरेक्शन में वाई है, इसमें एक्स है, जेड नहीं दिखा रहा है। अगर मैं इसको रोटेट करके आपको दिखाऊंगा तो इनकी कोई गहराई नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो सिर्फ एक लाइन दिखेगी है। तो ये 2D होता है, और 3D ऐसे नहीं होता। अगर ये 3D में होता तो इसकी ऊंचाई गहराई भी होती। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, अभी ये आपको 2D दिख रहा होगा, लेकिन ये 3D है। अगर मैं इसको ऑर्बिट करके दिखाऊं आपको तो देखेंगे आप, ये 3D है। अगर मैं इसको शेड कमांड दे दूंगा तो आप देख सकते हैं ये एक 3D सॉलिड है। इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, या गहराई भी कह सकते हैं आप ऊंचाई की जगह। तो इस चीज़ को हम 3D बोलते हैं, और ये चीज़ 2D है। इसमें कोई ऊंचाई नहीं है, आप कैसे भी इसको देख सकते हैं, लेकिन इसको आप अगर देखेंगे तो ये 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 3D ऑब्जेक्ट्स में हम इसमें सीखेंगे बनाना। ऑटोकैड के जो मैं ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, ये पूरी सीरीज़ बनाऊँगा, इसमें सारी डिटेल्स बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको ऑटोकैड 2D आना ज़रूरी है। आपको 2D में ड्राइंग बनानी आनी चाहिए, तभी आप 3D में वर्क कर सकते हैं। अगर आपको ऑटोकैड 2D आती है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता ऑटोकैड 2D, तो आप मेरे जो ऑटोकैड के 2D के ट्यूटोरियल्स हैं वहाँ से आप सीख सकते हैं, और फिर 3D में स्टार्ट कर सकते हैं। और जिसको आता है वो यहाँ पर डायरेक्ट 3D वर्क कर सकता है, वो सीख सकता है आसानी से। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल से मैं इसमें आपको बनाना बताऊंगा कैसे कैसे हम इसमें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, किस तरह से वर्क करेंगे, सेटिंग कैसे करेंगे ऑटोकैड की 3D में। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में लिखें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, उनकी भी हेल्प होगी। थैंक यू।